टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के सामने एक बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई है। यह मुश्किल प्लेइंग 11 को चुनने की है। दोस्तों इस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यह तो तय है कि प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के चोटिल हो जाने के बाद टीम में बहुत सारे संकट आ खड़े पड़े हैं। ऐसे में उनकी जगह किसी न किसी खिलाड़ी को तो जगह मिलेगी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने विकल्प भी है, लेकिन उनमें से किस पर रोहित शर्मा दांव लगाते हैं कहना मुश्किल है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का अनाउंस कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 में कई सारे दिग्गजों का वापसी हुआ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और पूरा प्लेइंग 11 आपके सामने विस्तार से रखते हैं दोस्तों, लेकिन एक नजर इस रिपोर्ट पे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के वाइजैक में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत 2 फरवरी से होने जा रही है। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को हार मिली, ऐसे में दूसरे मुकाबले में उसकी पूरी कोशिश होगी कि वह वापसी कर और इंग्लैंड को हराकर सीरीज में बराबरी करे। हालांकि इससे पहले टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के सामने एक बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई है। यह मुश्किल प्लेइंग 11 को चुनने की है। दोस्तों इस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यह तो तय है कि प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के चोटिल हो जाने के बाद टीम में बहुत सारे संकट आ खड़े पड़े हैं। ऐसे में उनकी जगह किसी न किसी खिलाड़ी को तो जगह मिलेगी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने विकल्प भी है, लेकिन उनमें से किस पर रोहित शर्मा दांव लगाते हैं कहना मुश्किल है। दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल किया गया। वहीं रजत पाटीदार पहले से ही स्क्वाड में थे। दोनों ही खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 में किसी को मौका मिलेगा, इसे लेकर के टीम मैनेजमेंट को काफी माथापच्ची करना पड़ सकता है। हालांकि बैटिंग कोच ने इशारा किया है कि सरफराज को बेशक टीम में जगह मिली है, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने की दावेदारी रजत पाटीदार की काफी मजबूत है। ऐसे में यह देखना होगा कि रोहित शर्मा किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सरफराज खान का बादशाहत इस तरह से रणजी ट्रॉफी में गरजा है, जिसको देख करके कई सारे दिग्गज का कहना यह है कि सरफराज खान को ही खिलाना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरफराज खान और रजत पाटीदार में से किसको प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए और किसको मौका देना चाहिए टीम इंडिया को, इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें। दोस्तों आपको बता दें क्या कटेगा सुमन गिल और श्रेयस अय्यर का पत्ता। तो चलिए दोस्तों जहां तक टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट में सुमन गिल और श्रेयस अय्यर का लगातार फेल हो रहे पिछले मैचों में दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को निराश किया। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या इन दोनों के दूसरे मैच में बाहर क्या जा सकता है। गिल और अय्यर को टेस्ट के आंकड़े को देख तो पिछले कुछ मैचों में बहुत ही खराब रहा। सुमन गिल पिछले 11 पारियों में एक भी 50 नहीं लगा पाए, वहीं अय्यर भी पिछली 10 पारियों में ऐसा नहीं कर पाए, एक भी बार 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि दोनों को प्लेइंग 11 से बाहर रख नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना काफी कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरफराज और रजत पाटीदार दोनों को टीम इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। दूसरे टेस्ट के लिए संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होने वाला, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उससे पहले जिमी एंडरसन यानी कि जेम्स एंडरसन का टीम इंग्लैंड में वापसी हो चुका है, जो कि 700 विकेट से महज 9 विकेट दूर है, और ऐसा करते ही वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज बन जाएगा, जिसको कि शेन वॉर्न और मुतैया मुरलीधरन का ही रिकॉर्ड तोड़ना रह जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से जिमी एंडरसन प्रदर्शन करते हैं उसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा टेस्ट टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हरा पाएगी या नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में अपना लास्ट और नॉट द लिस्ट प्लेइंग 11 का बात करते हैं। तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होने वाला है। टीम इंडिया का रोहित शर्मा कप्तान के साथ ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल दिखेंगे और तीसरे नंबर पे सुमन गिल आ सकते हैं। दोस्तों एक मौका उसको दिया जा सकता है। उसके बाद चौथे नंबर पे रजत पाटीदार आएंगे, फिर पांचवें नंबर पे श्रेयस अय्यर। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे इन दोनों को इसलिए रिपीट किया जा सकता है क्योंकि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं चोट के कारण। उसके बाद छठवें नंबर पे सरफराज खान आएंगे, सातवें नंबर पे श्रीकर भरत, जी हां सरफराज खान डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पे आठवें नंबर पे अक्षर पटेल और नौवें नंबर पे आर अश्विन द अनुभवी ऑलराउंडर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें दोस्तों नौवें, दसवें और ग्यारहवें का, तो दसवें पे कुलदीप यादव और ग्यारहवें पे जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि वाइस कैप्टन भी है इस टीम का। दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसमें कहीं पांचवा गेंदबाज का ऑप्शन के रूप में मोहम्मद सिराज को रखता है तो यहाँ पे सुमन गिल और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे अगर टीम इंडिया दो फास्ट गेंदबाज और बाकी के स्पिनर्स को लेकर के उतरते हैं तो कहीं ना कहीं
कहीं एक बैट्समैन को टीम इंडिया से बाहर जाना पड़ सकता है। आपके हिसाब से कौन सा प्लेइंग 11 इस मैच में खेलेगा, वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।